हाय गाइस, आई एम टेक्निकल मुनीर। वेलकम टू न्यू वीडियो। सो गाइस, इससे पहले आपने सुना होगा कि यूट्यूब ऐप से यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो को अपलोड किस तरह से करेंगे, या आपने सुना होगा कि क्रोम ब्राउजर से अपनी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किस तरह से करें। लेकिन दोस्त, आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कि आप काइन मास्टर से डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो को अपलोड किस तरह से करेंगे। जी हाँ दोस्त, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इससे जो है आपका टाइम भी बहुत ही ज्यादा बचने वाला है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद में जब हमारा सारे काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर जो है हम यूट्यूब ऐप के अंदर जाते हैं, फिर वहां से हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा वहां पे टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्त, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप काइन मास्टर में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी टाइम डायरेक्ट आप जो है काइन मास्टर से ही, काइन मास्टर से बाहर निकले बगैर यूट्यूब ऐप के अंदर यानी अपने चैनल के अंदर किस तरह से अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो दोस्त, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर यूट्यूब वीडियो को जो है काइन मास्टर से अपलोड करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसलिए कि आपको इस चैनल के अंदर YouTube से ही रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। तो चलिए दोस्त, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, काइन मास्टर से किसी भी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी वीडियो को एडिटिंग कर लेना है ऐसे, ठीक है। जब आपका फुल एडिट हो जाएगा तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने में इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो आप भी जो है इसी तरह से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, करने के बाद में देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए। तो आपको क्या करना है, इसी शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्त, आपके सामने में बहुत सारा जो है ऐप्स आ जाएगा, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यानी आपके सामने में जितना भी ऐप्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब भी आया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पर क्लिक कर। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो जो है YouTube पर आ चुका है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे आपको एक बात याद रहे कि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे काइन मास्टर से, तो आपका जो है YouTube के अंदर आपका चैनल ही लॉगिन रहना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर होता है कि आपके मोबाइल में दो तीन चैनल है और अगर दूसरा वाला चैनल लॉगिन है, अगर आप दूसरे चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो जिस चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसी चैनल को आप यहाँ से जो है पहले लॉगिन करके रखेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मेरा टेक्निकल मुनीर यहाँ पर चैनल लॉगिन है। अगर मेरा दूसरा वाला चैनल अगर यहाँ पे लॉगिन होता तो उस पर ये वाला वीडियो चला जाता, ठीक है। लेकिन मुझे टेक्निकल मुनीर पे वीडियो अपलोड करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड वीडियो, तो आप अपलोड वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है आपके चैनल के अंदर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप काइन मास्टर ऐप से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप प्यारी सी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।